धर्म संस्कृतीत कोणताही हस्तक्षेप करू नये, ट्रिपल तलाकचे बिल मागे घ्यावे अशी मागणी करीत मुस्लिम बांधवांनी शिरपूर प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. मुस्लिम समुदायातील ट्रिपल तलाक यावर अनेकदा वादविवाद उपस्थित झाले आहेत. राज्यसभेतही ट्रिपल तलाकला विरोध करणारे विधेयक मांडण्यात आले आहे. यास काहींचा पाठिंबा असला तरी काही लोकांनी मात्र तीव्र विरोध केला आहे. ट्रिपल तलाकचे बिल मागे घ्यावे अशी मागणी करीत शिरपूर येथे मुस्लिम बांधवांनी प्रांताधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. मैं ये जो तीन तलाक जो आएगी वही उसके खिलाफ विरोध करना चाहती हूँ. और मुस्लिम समाज सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उस पर अमल करने वाले, और ये जो है इसके पुरजोर हम विरोध करते, तलाक के खिलाफ विरोध करते. आज 8 तारीख को शहर शिरपुर की मुस्लिम औरतों की जानिब से प्रांत साहिबा को मेमोरेंडम दिया गया है. दो मेमोरेंडम दिए गए, एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर और एक राष्ट्रपति के नाम पर दिया गया है. मेमोरेंडम देने का मकसद ये है कि 28 जनवरी को जो मुल्क हिंदुस्तान के सदर बल्दिया ने जो फैसला सुनाया है कि इस्लाम धर्म के अंदर मुस्लिम औरतों पर पाबंदी है और बहुत ज़्यादती की जाती है, बहुत जुल्म किया जाता है, इसलिए ट्रिपल तलाक बिल को पास किया जाए राज्यसभा के अंदर. ये सदर बल्दिया ने जो अपना इजहार किया है इससे पूरे मुल्क के मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है, और मुस्लिम औरतें खुद इसका जवाब निषेध की शक्ल में दे रही है कि ट्रिपल तलाक बिल को वापस लिया जाए. मुस्लिम औरतें हर हाल में इस्लामी कल्चर के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती है, और ये हजारों साल पुरानी संस्कृति है और इसमें मुस्लिम औरतें खुश है. इसलिए मुस्लिम औरतों की तरफ से ये बात आई है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजहब में और हमारी संस्कृति के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए आज 8 फरवरी को पूरे देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से मेमोरेंडम प्रांत साहेब को दिया जा रहा है. इसलिए शहर शिरपुर की जो मुस्लिम औरतें हैं इन्होंने भी आज के दिन प्रांत साहिबा को मेमोरेंडम दिया है. इसलिए हम लोग विनंती करते हैं और गुजारिश करते हो हुकूमत से कि वो ट्रिपल तलाक बिल को वापस ले ले और हम लोगों को इस्लामी शरीयत के हिसाब से ज़िंदगी जीने का पूरा फैसला दे.